I stay a bit longer? Stay forever. हे गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी आपने वीडियो देखा उस वीडियो को मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि वीडियो को बनाते कैसे हैं। तो चलते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने VN एप्लीकेशन में। उसके बाद नीचे प्लस का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पर चलेंगे। अपने को दो फोटो ले लेना है, तो मैं ले लेता हूँ दो फोटो। उसके बाद ये ब्लू कलर का निशान दिख रहा है, एरो का इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये निशान दिख रहा है आपको प्लस का, इस पर क्लिक करना है, मटेरियल पर चलना है और यहाँ से ब्लैक वाला ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये टेस्ट का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और टेस्ट पे चलना है। फिर यहाँ से लास्ट में चल के हम लोग को टाइप कर लेना है। तो क्या टाइप करना है मैं आपको बता देता हूँ, और एक लास्ट में इमोजी लगा लेंगे ये। उसके बाद क्या करना है, ये डबल एक निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और अच्छा सा फॉन्ट लगा लेना है। ये हो चुका है, फॉन्ट लग चुका है। उसके बाद बगल में कलर का निशान है, कलर लगा लेंगे अच्छे से। ये लगाने के बाद क्या करना है, राइट निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ओरिजिनल पे क्लिक करना है, 9:16 रेशो ले लेना है। इतना होने के बाद क्या करना है, ये म्यूजिक का निशान दिख रहा है जिसमें प्लस का निशान, इस पर क्लिक करना है, म्यूजिक पे चलना है। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो मिल जाएगा, ऑडियो आपको ले लेना है। तो मैं ले लेता हूँ ऑडियो। ऑडियो लेने के बाद ये म्यूजिक बीट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और अपने को बीट लगाना है। तो बीट का टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस तरीके से लगा लीजिएगा। तीन बीट लगना है, ठीक है, तीन बीट लगाना है आपको भी, लगा लेना है तीन बीट। उसके बाद राइट निशान पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से राइट निशान पे क्लिक कर देना है। अब क्या करना है, सेकेंड वाले बीट तक अपने को ये जो ब्लैक वाले लिए हैं उसको रखना है, ये इसको सेकेंड बीट तक रखना है। ये हो चुका है, ये टेस्ट को भी अपने को सेकेंड बीट तक रखना है। तो ये टेस्ट यहाँ तक रहेगा, ये यहाँ तक, ठीक है। तो सेकंड बिट पे क्लिक करेंगे और रख लेंगे अपने को। तो ये अपना हो चुका है सेकंड वाले बिट तक। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला बिट है वहाँ अपने को लाना है और स्लिप्ट कर लेना है, किसको, टेस्ट को। तो यहाँ स्लिप्ट कर लेते हैं, ये हो चुका है स्लिप। उसके बाद सेकेंड वाले टेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट पर चलना है। एडिट पर जाने के बाद अपने को यहाँ लिख लेना है, स्टे फॉरएवर लिखना है और इमोजी लगा लेना है। अब जो भी इमोजी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ये हो चुका है, उसके बाद ये डबल एक निशान पे क्लिक करेंगे और अच्छा सा फॉन्ट ले लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग को थोड़ा बढ़ा लेना है इस तरीके से, राइट निशान पे क्लिक कर देता हूँ। ये अपना हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट लास्ट वाला बिट है वहाँ तक अपने को ये जो फोटो को रखना है, ये वाले को, ये हो चुका है। और जहाँ तक आइडियो है वहाँ तक लास्ट वाले फोटो को भी रखना है। ये लास्ट में जो ब्लैक वाला उसको डिलीट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये टेस्ट का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मोशन लिखा है, इस पर क्लिक करना है और अपने को कोई भी अच्छा सा मोशन लगा लेना है। तो मैं ये वाला लगा लेता हूँ, सैंक वाला, या फिर मैं पेंडुलम वाला सैंक लगा लेता हूँ, ठीक है। ये उसको स्लो कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद राइट निशान पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर भी इसमें भी हम लोग लगा लेंगे, यहाँ से सेकंड वाले टेस्ट पे क्लिक करेंगे और मोशन पे चलेंगे और अच्छा सा मोशन लगा लेंगे, ठीक है। फिर राइट के साइन पे क्लिक कर लेंगे। ये हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप एफएक्स भी लगा सकते हो। उसके बाद ये प्लस का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जूम आउट वाला ले लेंगे और ये सेकेंड वाला प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, इसमें जूम इन वाला ले लेंगे। उसके बाद राइट निशान पर क्लिक कर देंगे। ये हो गया है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद सेव करने के लिए यहाँ स्पॉट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, अपना वीडियो सेव हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करिएगा।